लाइव हेलो। हाय दोस्तों, आज जैसा कि मैं आपको बोला था कि लाइव क्लास लूंगा, 9 बजे से प्रतिदिन डेली लाइव क्लास लेंगे। और सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एज। एज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी लोग को लाइव आ जाने दीजिए, तब तक के लिए मेरा ऐड देखिए, थोड़ा बैनर देखिए 2-3 मिनट तक, तब तक मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। जैसा कि मैं अभी बोला कि एज शुरू करने वाले हैं, और एज क्या उसके बारे में जानने से पहले आपसे थोड़ा सा बातें कर लूं। मैं एसके श्रीवास्तव आरा से बिहार से बिलोंग करता हूं, और आप मुझे प्यार देते रहे, मैं आपके लिए हर दिन कुछ नया करते रहूं। बिना एक्स वाई का मैथ 99% कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, और मुझे मैसेज के द्वारा बताते रहें कि कौन सा चैप्टर आपको, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसी तरह से मैं आपको, आपके लिए तैयार करूंगा कि आपके लिए कौन सा चैप्टर मैं दे सकूं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप लाइव रहें, और सारे मित्रों से, दोस्तों से निवेदन है कि सब्सक्राइब बटन दबाएं, और एक बेल होगा, घंटी होगा, उसको भी दबाएं, लाल बटन होगा। और मैं अब पेज का कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे कि टाइप 1 के बारे में मैं बात करूंगा। एज में मैं बहुत सारे टाइप पढ़ाने वाला हूं, 21 टाइप, और 21 टाइप के बाद मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन का मतलब कि मिसलेनियस, और इसके बाद सेट प्रैक्टिस, इस तरह से मैं कराते रहूंगा आपको। कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, टाइप 1 में कौन सा क्वेश्चन होगा, 0 लेवल से लेकर आपको सीरियल तक, बैंक पीओ रेलवे, आपको मेस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। और आप साथ देते रहें, प्रतिदिन 9 बजे मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और फेसबुक अकाउंट पे भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट भी सौरभ श्रीवास्तव 775@gmail.com पे जाकर आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है मेरा कि राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, तथा 5 वर्ष बाद इनकी 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो यहां से अब पूछेगा कि राम, फुल स्टॉप डाल दिया मैं, और यहाँ पे है के बाद जब तथा आए, तो आए या और आए, तो ये सब जब आए तो इसमें हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि राम की
वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु क्या है? क्या है ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अब आप क्वेश्चन बिल्कुल देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं कॉपी पे, तब तक मैं इसके लैंग्वेज को तोड़ना शुरू कर रहा हूं। राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 5:6 है, और 5 वर्ष के बाद इसकी आयु, इनकी आयु का अनुपात जो होने वाला है 6:7 हो जाएगा। और वो हमसे पूछा गया कि राम की वर्तमान आयु क्या है। टाइप 1 में मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे आपको टाइप कम से कम 21 और इसके बाद मिक्स क्वेश्चंस, जैसे कि आप सीरियल के क्वेश्चंस, बैंक पीओ के क्वेश्चन, जहां से आपको पूछना है बिल्कुल किसी बुक का क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, और उस बुक को निकाल कर मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा क्वेश्चन, और सारे जितने मित्र लाइव है, दोस्त लाइव है, उनके साथ शेयर करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो पहले हम आते हैं कि इसको पहले आप छाप लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि कैसे इसको एक्स वाई पे बनाते हैं हम, और बिना एक्स वाई का कैसे बनाते हैं। तो एक्स वाई पे बनाने में कितना समय लगता है और बिना एक्स वाई के बनाने में कितना समय लगता है आप कंपेयर कर सकते हैं, और जैसे ही अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको बिना एक्स वाई का पढ़ने में मजा आ जाएगा, कोई आपके लिए इसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यहां से क्वेश्चन उतार लिया, अगर नहीं उतारे हैं तो एक बार फिर से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? तो राम की वर्तमान आयु क्या है का मतलब क्या है कि अब लैंग्वेज पहले सुन लीजिए। था का मतलब पास्ट के लिए बात करेगा, है मीन्स वर्तमान का बात करेगा, होगा हो जाएगा का मतलब बाद का, फ्यूचर का बात करेगा। तो हो जाएगा होगा शर्त के साथ होगा, जब कभी किसी की राम की वर्तमान आयु कितना होगा तो ये होगा लगने के बाद भी आपका फ्यूचर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि उसके पहले एक सेंटेंस में हमने जोड़ा था वर्तमान। तो जैसे वर्तमान लगा है तो हम जो बोल रहे हैं कि जब वर्तमान लग जाए तो उसके लिए होगा हो जाने के बाद भी हमारा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का काम करेगा। तो एक्स वाई पे कैसे लोग बात करते हैं, बनाते हैं, उसको भी मैं दिखा दूं कि राम और श्याम की आयु जैसा कि मैं बोला 5:6 है। तो हम लोग बात करते हैं कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, तो राम की आयु 5x और श्याम की आयु 6x। तो यहां से कितना वर्ष के बाद बात कर रहे हूं, 5 वर्ष के बाद। तो ये 5 वर्ष के बाद, और ये भी कितना वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद हमारा जो होने वाला है ये कितना हो जाएगा, 5x+5, क्लियर। और यहां से 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 6x+5, क्लियर। अब ये जो हमारा 5 साल के बाद जो हमारा निकला है, ये राम की आयु निकला है, और ये किसका आयु निकला है, श्याम का। तो राम की आयु 5x और श्याम की आयु 6x+5। अब जैसा कि मैं बोला अभी कि एक्स और वाई पे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है कि यहां से राम की आयु जो होने वाला है 5x और प्लस 5 और श्याम की आयु 6x और प्लस 6 यानी कि 6x+6। यहां से ये भी 5 है 5 साल बाद, और जैसा कि मैं अभी बात किया कि ये दोनों का अनुपात जो है कितना हो जा रहा है, 5x+5 है, राम किया हुआ नीचे किसका आयु है, श्याम का आयु। थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देते हैं आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ से 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से राम किया हुआ 5 साल का बाद, और नीचे से श्याम किया हुआ 5 साल बाद, लेकिन 5 साल बाद राम की आयु और 5 साल बाद श्याम की आयु जो है, राम और श्याम की आयु, ध्यान सुनेंगे मेरी बात, तब का रेशियो बता रहा है कि राम और श्याम की आयु कितना हो जाएगा, 6:7। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इसको ले जाएंगे, तो 7×5
35। क्लियर है सब ना? आरा के लड़का सब बुझातन हो तो रोक के भाई चलो आओ। 5 7 5 35 और प्लस 7 5 35 और बराबर 6 1 36 और 6 5 30। जैसे मैं किया एक बराबर का साइन डाल सकते हैं और यहाँ पे यहाँ का साइन डाल दिए बराबर, और यहाँ पे जब हम अगला स्टेप में फिर जाएंगे तो यहाँ का साइन डाल दिए, और ये 35 एक्स है और यहाँ से 6 1 36 एक्स छूट गया था, तो यहाँ से जब इधर जाएंगे तो 36 एक्स में से 35 एक्स गया तो कितना हो जाएगा एक्स, और ये 35 है उधर से 30 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। तो जैसे मैं एक्स का मान 5 निकाला तो यहाँ पे अब मैं गुना करने वाला हूँ, क्योंकि वर्तमान में राम किया कितना था 5x और श्याम किया कितना था 6x। तो एक्स का मान जैसे मैं 5 लगा और यहाँ भी एक्स का मान कितना है 5, तो एक्स का मान 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 ये आपका 25 हो जाएगा, और ये 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु यानी राम की अब पूछा था तो कितना है 25। तो ये एक्स वाई पे मैंने बनाया, और बिना एक्स वाई का कैसे सॉल्व करेंगे आप छाप सकते हैं इसको, 2-3 मिनट आपके पास टाइम है तब मैं बिना एक्स वाई का बात करूंगा। तब तक आप लाइव देखते रहें और सब्सक्राइब बटन दबाते रहें, और मुझे खुशी है आप बेल आइकन पे जाएं और उसको भी प्रेस करें, और अच्छा लग रहा है मोबाइल लीजिए। लाइव देव वो जो मोबाइल चल रहा है लाइव अभी हो गया। जैसा कि आपका लाइव में देखा और आपका मैसेज भी पढ़ा कि आपने भी कमेंट्स और मैसेज किए कि 25 आंसर बिल्कुल सही है, और बिना एक्स वाई का कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा हम भी देखते हैं, और आप भी देखें कि राम और श्याम की आयु की अनुपात जो है राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, और ये 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बिना एक्स वाई का रेशियो मेथड से कैसे इसको बनाएंगे ये देखना है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो हो जाने का मतलब ये 5 से रेशियो 6 हो गया और 6 से रेशियो कितना हो गया 7। तो दोनों तरफ से डिफरेंस क्या है, दोनों तरफ से डिफरेंस कितना है 1। 5 से 6 हो गया और 6 से 7 हो गया। राम और श्याम की आयु का रेशियो जो है 5:6 था, लेकिन आज 5 बढ़ने के कारण 6:7 हो गया। तो यहाँ से 1 डिफरेंस बढ़ गया और 1 बढ़ा है दोनों तरफ से, और कितना के कारण बढ़ा है 5 बढ़ने के कारण। तो ये जो प्लस और माइनस जब साइन हम लगाएंगे तो इससे आप ये मत सोचिए कि ये प्लस और माइनस है, बस ये इंडिकेट करा रहे हूँ कि ये बाद का है, और जब पूर्व का मैटर आएगा बात आएगा तो उस समय माइनस इंडिकेट करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम मेंशन करते रहेंगे आपके सामने, बातें करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 5:6 और 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, दोनों तरफ से डिफरेंस 1 है। 1 में कितना बढ़ गया है 5, 1 में कितना बढ़ गया है 5। तो 1 में जैसे ही 5 बढ़ गया तो ये हमारा 25 और 6 5 30। तो सर ऊपर क्यों गुना किया आप पूछ सकते हैं, तो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये हमारा ना रेशियो बाद का था
और ना ही रेशियो पूर्व का था। ये रेशियो जो ऊपर का है ना बाद का है ना पूर्व का है, यानी कि रेशियो कब का था? वर्तमान का था। तो यहाँ से रेशियो वर्तमान का था और यहाँ से रेशियो बाद का था। ऐसा चाहे तो मैं नीचे से भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से राम किया वो जो मारा निकला, एक झोला में 5 आम तो 5 झोला में 25 आम तो 6 झोला में 30 आम। तो यहाँ नीचे से भी अगर हम चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35। लेकिन अब यहाँ देखना है कि +5 है तो ये बाद का है, तो वर्तमान जब हम आएंगे तो मेरे अगर आयु की बात की जाए तो 30 है 5 साल बाद, तो वर्तमान में मेरी आयु कितनी होगी? 25। अगर मेरे फ्रेंड की आयु, हाय प्रवीण कैसे हो ठीक हो, यहाँ से 35 है और 5 साल अगर घटा देते हैं तो ये कितना होगा? 30। तो यानी मेरी आयु फिर वर्तमान में 25 और श्याम की यानी राम की आयु 25 और श्याम की आयु 30। यहाँ से 25 आया और यहाँ से कितना आया? 30। यानी कि हमारा आंसर यहाँ से, और बिना मतलब का ये काम अभी नहीं करना है क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। यहाँ से फिर एक बार समझते हैं, 5 और 6 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा, दोनों तरफ से डिफरेंस 1 में 5 तो 50 25, 6 × 5 = 30 यानी कि राम की आयु 25। ये बिना XY का कितना इजी बना ये आप देख सकते हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि बिना XY के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो हम आपको दिखाएंगे 99% क्वेश्चन बिना XY से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप तब तक उतार सकते हैं, 99% क्वेश्चन को हम बिना XY का सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आप उतारें। आप तो लाइक कर सकते हो, देखो जल्द से हो गया अनवर्ट के लिए। काम करते हैं टाइप 1 में अभी काम किए, पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, और उतारने से तो बेस्ट होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमको टाइम नहीं देना पड़ेगा ज्यादा, और आपके लिए भी सुविधा होगा। जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो वेट नहीं करेंगे, और तब तक हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राधे राधे भाई, राधे राधे, समझ में आ रहा होगा सब कोई के? चलो जाओ देखिए, टाइप 1 है क्वेश्चन नंबर 2। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले हम आपको एक कॉमेडी सुनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, बंधु है, दोस्त है, तो अपने फेस को लेकर बड़ा चिंता करते हैं कि मैं थोड़ा काला हूँ, उजला हूँ, गोरा हूँ। तो ब्रेन को स्मार्ट बनाना है हमको। तो जैसे कि इस पे गाना है, एक मेरे साथ रहने वाले लोग हैं तो विजय हैं, गिरीश है, रमेश है, अभी साथ में जुड़े हुए हैं, हम सब स्टूडियो में काम कर रहे हैं अभी। तो गाना विजय गाड़ी में जब बजाता था कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, तो बहुत दिन से बजाया करता था। एक्चुअली थोड़ा सांवला है तो बहुत दिन से बजाया करता था। एक दिन पटना से आते समय मैं पूछा, यार ये गाना बजाते क्यों? बोला सर चेहरा उतना साफ नहीं इसलिए बजाते हैं। बोले यार ऐसा थोड़ी है। फिर उसने बोला कि सर अच्छा लगता है सुनने में, संतुष्टि मिलता है। तो मैं बोला यार दिल में उतरने का रास्ता भी तो बताओ मुझे। तो बोला कि दिल में उतरने का रास्ता सर आपको फिर फिल्म देखना होगा। हम बोले कौन सा फिल्म यार? तो उसने बोला बादल पिक्चर देखिए। तो बादल पिक्चर में देखा तो उसमें एक सॉन्ग था,
मैं बोला दिल में कई शुभ राजा, कान के रास्ते, मुंह के रास्ते, आंख के रास्ते, कैसे उतरा जा भाई बड़ा मैं टेंशन में रहा दो तीन दिन। तब जाकर मेरा बादल पिक्चर जब देखा तो उसका गाना सुना और उसमें था कि आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। मैं समझ गया कि उतरना है दिल में कैसे, आंखों के रास्ते। तो स्मार्ट बनने के लिए चेहरा नहीं ब्रेन की जरूरत है। तब तक हम आते हैं इसी तरह से आपको हर बार एक नया गाने सुनाते रहूंगा और आप बोर नहीं फील करिएगा, ध्यान से सुनेंगे। टाइप वन का दो नंबर क्वेश्चन की जैसे एम नाम डाल दिए, एम तथा एन की आयु का अनुपात, एम तथा एन की आयु का अनुपात 7:9 है। आयु का अनुपात एम तथा एन की आयु का अनुपात 7:9 है, क्लियर ना। तो यहां से तथा ध्यान से सुनेंगे, तथा 8 वर्ष बाद इनकी 8 वर्ष बाद की अनुपात 9:11 हो जाएगा, क्लियर ना। कितना हो जाएगा फुल स्टॉप, 9:11 आयु का अनुपात है ये, हो जाएगा। अब जैसा कि मैं बात बोल रहा हूं कि एम इस बार देता हूं, उस टाइम एम का दिया था, हालांकि मैं दोनों निकाल कर दिखाऊंगा लेकिन क्वेश्चन में दे रहा कि एन की वर्तमान आयु क्या है, एन की वर्तमान आयु क्या है। तो आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमको आसानी होगा और आप बाद में देखते रहेंगे इस क्वेश्चन को। एम तथा एन की आयु का अनुपात 7:9 है तथा 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो एन की वर्तमान आयु क्या है, आप तब तक उतारिए मैं मित्रों से बात करूं। जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि सर मुझे रेल पढ़ना है तो मैं लेवल से शुरू करूंगा और इतना तक ले जाऊंगा ताकि आपका कंपटीशन आपको आसान दिखने लगे। आप SI, CI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कोई सा चैप्टर आपको जब बोलने का मौका मिले तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं और हम लोग लाइव उसको देख सकते हैं। अभी ए शुरू किए हैं तो 1-2 दिन हम ए शुरू करें और उसको बना लें पूरा, तब आपके लिए फिर हम जो चैप्टर रेल का डिमांड था, लड़कों का इच्छा था कि सर रेल पर आइएगा, तब फिर मैं रेल चलूंगा। एन की वर्तमान आयु क्या है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और XY मानना छोड़ना है और बिना XY का यानी रेशियो पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एम और एन की आयु का अनुपात जो था 7:9 था और यहाँ से 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा, क्लियर सारे लोग। तो यहाँ से 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, आखिर रेशियो कितना बढ़ा, 7 से 9 और 9 से 11 हो गया, कितना रेशियो बढ़ गया, दोनों तरफ से रेशियो कितना बढ़ गया भाई 2। तो दोनों तरफ से जब रेशियो 2 बढ़ गया और 2 झोला में कितना आम बढ़ा, तो आंखें 2 रेशियो बढ़ गया तो कितने के कारण, जब 2 रेशियो बढ़ गया कितने के कारण, 8 के कारण। ये अगर 8 हम नहीं 8 साल बाद का बात करते तो रेशियो बढ़ता कैसे। तो ये रेशियो 8 साल बाद हमारा 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, 2 बढ़ गया कितने के कारण, 8 के कारण। तो 1 में कितना 4, तो 1 में जैसे ही 4 होगा तो हमारा 1 झोला में जब 4 आम होगा तो 7 झोला में 28 यानी कि 7 × 4 क्योंकि 14 28 और 9 × 36 का मेंशन कर दिए और एन की आयु का बात किए थे। तो यहाँ से एन की आयु वर्तमान में कितना आएगा 36। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप,
टाइप टू से मेंशन करेंगे हम। टाइप टू में आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन हम बात करेंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है, क्लियर ना। तथा ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है तथा 5 साल पहले यानी 5 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात 6:7 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी, या जो भी डाल देना होगा आपको, क्योंकि हम पीछे आपका मेंशन कर चुके हैं वर्तमान। और टाइप टू के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे और कैसे ये माइनस है, ये 5 साल पूर्व आपको लिख कर दर्शाए हैं, एग्जाम में ऐसा लिखेगा नहीं, आपको सिर्फ ये लिख देगा कि 5 साल पहले, तो हम मेंशन कर दिए हैं ताकि आपके ब्रेन में एडजस्ट हो जाए। 5 साल पहले की आयु का अनुपात 6:7 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा, तो यहाँ से ध्यान से सुनेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ए और बी की आयु का अनुपात जो हमने अभी बताया कि 7:8 और 5 साल पहले की आयु 6:7, यानी कैसे हुआ ये 5 साल पहले की आयु, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। ये माइनस लगाने का तात्पर्य है कि मेरा उम्र पहले का मेंशन हो रहा है, तो ये 7 है, आज 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था 6, ये 8:5 है, 5 साल पहले मेरा रेशियो कितना था 7, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, दोनों का यहाँ से भी डिफरेंस और यहाँ से भी डिफरेंस 1 है, तो आपके मन में विचार चल रहा होगा कि अगर डिफरेंस बराबर ना हो, अगर दोनों तरफ से बैलेंस ना हो तो क्या करेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, आप जुड़े रहिए और मैं बताते जाऊंगा टाइप 3-4 इस तरह से आपको जब बैलेंस ना होगा तो उसको भी बैलेंस करेंगे, और वो भी बिना एक्स वाई के एक लाइन में 1% क्वेश्चन के लिए जो हमको करना होगा थोड़ा सा कार्य, बस आपके लिए मेहनत, बाकी सारा इजी 1 से 2 लाइन में सॉल्व होंगे। 7:6, 7:5, 7 से 6, 8 से 7 हो गया, 1 और 1 में कितना 5, 1 में कितना आखिर दोनों तरफ से घटा है, कितना घटा है 1 और 1 में कितना घटा, 1 में घट गया 5, 5 उम्र घटा है तब तो 1 घट गया, 1 में जब 5 तो 1 झोला में 5 काम तो 7 झोला में 35 और 8 झोला में 40, क्लियर ना। तो 1 की वर्तमान है वो पूछा था, क्यों ऊपर वर्तमान लेते हैं, क्योंकि रेशियो ना बाद का है ना ही पूर्व का है, यानी कि कब का है वर्तमान का, और ये रेशियो कब का है पूर्व का है, इसलिए यहाँ से भी निकाल सकते थे कि 6:35 तो ये, लेकिन उम्र कब का निकला है 5 साल पहले का, तो वर्तमान आने के लिए कितना जोड़ना होगा 5, ताकि हम 30 है वर्तमान में तो 5 साल पहले 30 था, तो 30 से हम 5 जोड़ देंगे तब हमारा कितना आएगा, ऐसे में बता रहा हूँ कि माइनस जब होगा तो वर्तमान लाने के लिए प्लस कर देंगे तो आपको वर्तमान मिल जाएगा, और हमारा आंसर वर्तमान में 35, और यहाँ से इसको नहीं छापना है, और आप इसको सेव कर ले मोबाइल में, तब तक मैं आगे क्वेश्चन देख सकता हूं। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए कैसे इसको बनाया जाएगा। पी तथा क्यू की आयु का अनुपात, पी तथा क्यू की आयु का अनुपात पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 7:9 है, 10 वर्ष पहले या 12 वर्ष पहले, जो भी लेने का मन हो ले सकते हैं, 12 वर्ष पहले
ऐसा लेना है कि वो डिवाइड हो जाए और फिर डिवाइड ना हो, वो भी क्वेश्चन हम दिखाएंगे, आप जुड़े रहेंगे। बस इसके बाद मैं सारा क्लियर करूंगा। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी? क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव कर लेंगे, तब हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे बिना एक्स वाई का, और कैसे बनते जा रहा है आप देख रहे हैं। और इसको जितना हो सके शेयर करें। पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 7:9 है, 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो जैसा कि मैंने बोला था कि एज सॉल्व करेंगे, तो उसको आज किया मैं, और एक दो दिन और टाइम लेंगे। इसके बाद मैं रेल डीआई जितने भी चैप्टर्स हैं धीरे धीरे लाइव आते रहूंगा और पढ़ाते रहूंगा। रीजनिंग का भी, जैसे आप लोग सिलोजिज्म का बात करते हैं, इनोक्रेटिव हुआ, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग या क्लॉक, कैलेंडर, इस तरह से स्टेटमेंट का क्वेश्चंस आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड लेसन, डाइस, ये सारे चैप्टर कैसे सॉल्व होते हैं बहुत आसानी से मैं दिखाऊंगा आपको। रात 9 बजे हर दिन आपके साथ लाइव में रहूंगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे। अभी जैसे मैं बात किया कि पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था, क्वेश्चन मेंशन था 7:9 कितना था, 9 यही था ना। तो 12 साल पहले आयु का अनुपात कितना कितना था, क्वेश्चन 5:7 मैसेज देखो तो कोई कर रहे हैं। तो ये आपका 5:7 लिए थे, 2 का डिफरेंस है, और 2 में कितना क्वेश्चन एक्चुअली चलिए आ जाइए आप लोग टाइप 3 में देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं। टाइप 3 में आप लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे। अभी ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि रमन तथा अमन की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, रमन तथा अमन की आयु का अनुपात 5:6 या यहां से जो इच्छा करे आपको लेने का बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा मैं मिटा सकता हूँ। 3:4 इच्छा है तो 3:4 ले सकते हैं, 3:4 है ठीक है। और यहां से आपका 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात या कुछ भी लेने का मन हो, यहाँ से हम रेशियो जो भी मन करे आपको चेंज कर सकते हैं, जो इच्छा करे, कोई रेशियो पे दबाव नहीं है। आप रमन तथा अमन की आयु का अनुपात जो इच्छा आपका है वो कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 5:9 आप 9 भी ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अब यहां से मैं चेंज करने वाला हूं, यहां से जो हमारा रमन तथा अमन की आयु का अनुपात 5:9 है,
और यहाँ से 8 साल बाद या 10 साल बाद मैं जो भी लेने वाला हूँ ध्यान देंगे। इनकी आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डाल दिया टाइप 3 का है, हो जाएगा। तो रमन की वर्तमान आयु कितनी है? रमन की वर्तमान आयु कितनी है? ओके ना, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। रमन तथा अमन की आयु का अनुपात 5:9 है, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। रमन की वर्तमान आयु कितनी है? पांच अनुपात नौ और 2:3 12 वर्ष बाद का है। अब ये देखिए आज बैलेंस नहीं है, एक्चुअली 5 से 2 हो गया और बाद का है, तो 3 घट गया और यहां से 6 घट गया। तो रेशियो पहले टाइप में हम जब बात किए थे तो बैलेंस था, अब इस टाइप में रेशियो जो है बैलेंस नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों में रेशियो क्या था? बैलेंस था, और इसमें रेशियो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहां से इसको घटाएंगे और 3 में से 2 जाएगा, ऊपर घटाएंगे 1 हो जाएगा। ध्यान से जब सुनेंगे तो आप क्लियर हो सकेंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे हर क्वेश्चन को बैलेंस करने का कि नीचे से घटा कर ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर से घटा कर नीचे गुना कर देंगे, और जैसे ही ये गुना हो जाएगा ये अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। तो 5:9 और 4:8 है, चलती है 12, और यहां से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दोनों तरफ से डिफरेंस 3 हो गया, 5 से 8 और 9 से 12 हो गया, यानी कि दोनों तरफ का डिफरेंस हमारा सेम। और जैसे हमारा डिफरेंस बराबर आएगा तो 3 झोला में हमारा, यानी 3 रेशियो जो घट गया या बढ़ गया, 3 रेशियो 5 से 8 हो गया, 9 से 12 बढ़ गया है, कितने बढ़ने के कारण 12। तो 3 रेशियो जब बढ़े या घटे तो आपको 3 में डैश देकर 12 लेना होगा, ये बराबर नहीं है, 3 डैश है और 3 में 12 तो 1 में कितना होगा? 4। 3 में 12 तो 1 में 4 होगा, और जैसे 1 झोला में जब हम 4 आम निकाले तो वर्तमान हमारा रेशियो कौन था? ये था। तो अब इसमें नहीं गुणा करना है क्योंकि हम बैलेंस करके यहाँ पहुंच चुके हैं। और फिर से एक बार हम बात करेंगे कि यहाँ से किसी का रमन और अमन की या किसी नाम को रख लेंगे तो 5:9 है तो 12 साल बाद 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले तो एक मैं चीज सिखा दू, एक कंसेप्ट, यहाँ से बाद जाने पर रेशियो बढ़ना चाहिए, तो ऐसे भी अनबैलेंस है तो बैलेंस करना होगा। और दूसरा डिफरेंस बराबर नहीं है, 5 से 2 यानी 3 घट गया, 9 से 3 यानी 6 घट गया, तो दोनों तरफ से डिफरेंस बराबर करने के लिए मैंने अभी जो आपको बताया फिर से एक बार आप सुनेंगे, 9 से 5 घटेगा 4, 3 से 2 घटेगा 1, और दोनों तरफ से डिफरेंस हो गया तो 3 और 3 में 12 तो 1 में 4, तो यहाँ से 9 चौक 36 और 5 चौक 20, यहाँ से हमारा आंसर हो गया। जिसका आंसर मांगे रमन का तो रमन का 20, अगर अमन का तो उसका 36, जिसके आंसर हमने बोला था वो ये था, और रमन की आयु हमारे पास 20 है 36। जैसा कि आपने छाप लिया होगा,
और अगले क्वेश्चन पे टाइप पे बात कर रहे हैं कि टाइप थ्री का 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर ए कोई भी नाम डालेंगे, ए और बी का, ए और बी का आयु, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 15 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा? बी की वर्तमान आयु क्या होगा? बी की वर्तमान आयु क्या होगा? क्लियर है? वाट का साइन है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है और 15 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा? इसको आप सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा आसानी होगा मुझे बताने में। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार इसको देख लेंगे कि 11:13 है और यहाँ से 8:9 हो जाएगा और 15 वर्ष बाद यानी कि 11:13 टाइप 3 का एक क्वेश्चन है और 8:9 ये कितना वर्ष बाद का कहानी है? 15 वर्ष बाद का। तो जैसे ही ये ए और बी का मेंशन है तो बैलेंस तो है नहीं, आप देख लीजिए 11 से 3 घट गया, 8 आ गया और 13 से 4 घट के 9 आ गया। तो इसको हम देखेंगे कि 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 11 गया 2। सारे लोग क्लियर है? सभी लोग क्लियर है? मैसेज करेंगे क्लियर है तो। यहाँ से आप 11:13 बैलेंस हो जाएगा। मैंने जैसा अभी बताया कि ऊपर से घटाकर नीचे और नीचे से घटाकर ऊपर, तो 13 से 11 गया 2 और 9 से 8 गया 1 अंतर, तो ऊपर गुना किया, ऊपर से घटाकर नीचे गुना किया और दोनों का डिफरेंस हमारे पास 15 है यहाँ से बाद का, और हमारे पास जो गुना करने के बाद आने वाला है 16 और 18, दोनों का डिफरेंस जैसा कि मैं अभी बोला कि 8 और 9 था, यहाँ से अब आ गया 16 और 18, तो डिफरेंस हमारे पास जैसा कि मैंने अभी बोला कि यहाँ से कितना का डिफरेंस आ चुका है हमारे सामने? 5 का, और 5 में 15, तो 5 में 15 जैसे आया, 1 में कितना आया 3, तो जैसे 1 में 3 आ गया तो 11 में कितना आ गया 33 और 13 में कितना आ गया 39। तो जिसकी आयु का अगर बात किया जाए ए तो 33, बी का मैंने पूछा था इसलिए आंसर क्या होगा? 39। इसी तरह से हम नेक्स्ट टाइप टाइप 4 कल बात करेंगे, टाइप 5 टाइप 6 आपको हर दिन लेकर आएंगे लाइव क्लास 9 से 10। और आप बिल्कुल मैसेज करते रहिए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और कल फिर 9 से 10 और टाइम अगर आपके लिए एक निकाल रहे हैं कि एक रीजनिंग का भी 1 घंटे का क्लास हो, अभी आज पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया, और 1 घंटा आपको 9 से 10 में मैथ डेली लेकर आऊंगा और एक टाइम शेड्यूल निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं टाइम एडजस्ट करके आपको एक टाइम कोई दूंगा जो 1 घंटा लाइव रीजनिंग क्लास चलेगा और हर दिन हम लोग लाइव रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे और थैंक यू, आप लोग का इतना सपोर्ट रहा। गुड नाइट।